हेलो अच्छो, गुड मॉर्निंग। तो हम अब फंक्शन स्टार्ट करेंगे। फंक्शन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे लॉग के बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में, मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में, मॉडुलस फंक्शन के बारे में, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर ली है। अब आज से अपन लोग फंक्शन के मेन टॉपिक यानी डोमेन एंड रेंज और बाकी इसके आगे की सारी चीजें पढ़ेंगे। इसी में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि 11th में हम नहीं पढ़े होते हैं, फिर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम के बारे में, फिर बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इन सब के साथ एक साथ कंबाइन करके यानी इनका कॉम्बिनेशन का फॉर्म, ये सब चीजें अब हम पढ़ेंगे। क्योंकि ये सब चीजें हम 11th में नहीं पढ़े होते। 11th में बाकी बस हमने यहाँ पे 11th में बेसिक बेसिक इनइक्वालिटी वगैरह और बेसिक लॉगरिथमिक वगैरह के इनइक्वालिटी और उनके बारे में हम लोग जानकारी लिए रहते हैं। तो अब यहां से हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्या, अब डोमेन और रेंज की बातें स्टार्ट करने वाले हैं। डोमेन और रेंज पे आने से पहले एक आपको मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूं कि जैसे मान लो कि लिखा है, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं कि ऐसे, पहली बात है कि एक बात मैं लिखूंगा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक बात ये लिखे जाएंगे, और ये एफ एक्स का मतलब है इसमें एक्स इनपुट है और वाई आउटपुट है। बहुत क्लियर सी बात है कि इसमें जो एक्स होगा वो एक्स जो है, ये वाला जो एक्स है वो है इनपुट, और जो ये वाला वाई है ये है आपका आउटपुट। कि जो हम एक्स की वैल्यू देंगे वही आपका आउटपुट बाहर वही निकल के आएगा। और इसको मैंने मान लो थोड़ी देर के लिए ले लिया कि ऐसे लिखा है एक्स माइनस टू, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं एक्स माइनस टू। तो अब हम आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई इनपुट क्या क्या दे सकते हैं, क्या कोई भी एक्स इनपुट दे सकते हैं क्या? सपोज क्या हम एक्स इक्वल टू जीरो दे सकते हैं क्या इनपुट? जैसे हमने एक्स इक्वल टू जीरो इनपुट दिया तो जैसे अंडर रूट के अंदर माइनस टू वो डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि नहीं एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू जीरो यानी अंडर रूट के अंदर माइनस टू एक्सेप्टेबल नहीं है, अंडर रूट को प्रॉब्लम है एक्स इक्वल टू माइनस टू पे, तो ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या एक्सेप्टेबल है? जो एक्सेप्टेबल है, जो वैल्यू हम दे सकते हैं वही इनपुट कहलाती है, उसके करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वही आउटपुट कहलाती है। सपोज यहां पे आपको इनपुट हम क्या दे सकते हैं जरा बताओ, तो क्या इनपुट दे सकते हैं? तो उसके लिए आपका इनपुट का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, इनपुट का मतलब है यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स की कौन सा वैल्यू ऑफ एप्रोप्रिएट एक्स। मैं थोड़ा सा इसमें वर्ड चेंज कर रहा हूं, एप्रोप्रिएट एक्स की कौन सा बिल्कुल एक्स की जरूरत पड़ेगी वो वाला एक्स, एप्रोप्रिएट एक्स को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से अब यार देखो कैसे एप्रोप्रिएट एक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे एक्स माइनस टू को ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, क्योंकि अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो ही हो सकती है। यहां से ये पता चला कि एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू, यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि ये टू टू इनफाइनाइट है। क्या है? टू टू इनफाइनाइट है। अब यहाँ पे ये जो ये है वही आपका इनपुट है और इसी को हम कहेंगे डोमेन, इसी को हम कहेंगे डोमेन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? डोमेन। और इस इनपुट को डालने पे जो वैल्यू निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे आपको रेंज बोलेंगे, यानी जो ये वैल्यू डालने पे यानी जो वाई यानी वैल्यू ऑफ वाई कहलाएगा आपका रेंज, यानी जो ये आपका जो या यही आउटपुट है ये आपका कहला जाएगा। जैसे अगर मान लो यहां पे यानी डोमेन की डेफिनेशन क्या निकल के आई, ध्यान से देखो डोमेन की डेफिनेशन क्या निकल के आई। अपन लोग लिखेंगे डोमेन की डेफिनेशन, जैसे डोमेन का डेफिनेशन आपका निकल के आया कि द वैल्यू ऑफ एक्स हम एकदम बिल्कुल वो डेफिनेशन लिखा रहे हैं जो कि आपको समझ में आए हमेशा। जो ये वाला फंक्शन है इसमें द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इक्वल टू एफ एक्स एग्जिस्ट यानी आपका जिंदा रहे, मतलब एफ एक्स वो एक्स की वैल्यू जिसके लिए एक्स यानी ए एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स आपका जिंदा रहे यानी अंडर रूट जिंदा रहे, अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी चीज ना आ जाए कि जो डिफाइंड ही ना होती हो, तो वो आपका कहलाएगा एग्जिस्ट। और रेंज क्या हो जाएगा फिर रेंज क्या हो जाएगा? तो दी वैल्यू ऑफ वाई, बस एकदम सिंपल सी चीज निकल के आई है, दी वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच
the value of y obtained by using domains x. डोमेन वाला x आपने लेने पे आपको जो y की वैल्यू मिलेगी वही इसका रेंज कहलाएगा. मतलब डोमेन और रेंज, यानी डोमेन क्या है, तो डोमेन वो x की वैल्यू है जिससे हमें फंक्शन जिंदा रहता है, फंक्शन एग्जिस्ट करता है. एग्जिस्ट का मतलब होता है भाई, देखो एग्जिस्ट का मतलब होता है हमारे सेंस में जिंदा रहना. इसका मतलब होता है जिंदा रहना, कि मतलब फंक्शन जिंदा रहे. या और वाई रेंज क्या हो गया फिर, तो वो वाई की वो वैल्यू जो एक्स पुट करने पे जो जो वाई की वैल्यू मिलेगी वो उसका रेंज कहलाएगा. बात समझ में आ रही है, ये आपका रेंज कहलाएगा. अब जब देखो रेंज और डोमेन, तो अपन लोग समझ रहे हैं कि रेंज और डोमेन क्या कहलाएगा. कई बार आपसे सवाल क्या पूछता है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं, मतलब हाउ टू फाइंड फंक्शन, विच इज फंक्शन आर नॉट, मतलब फाइंडिंग कैसे. ये पकड़ हमें पहली बात अगर ये आपका लेके चलो डोमेन और रेंज वाली बात, तो दूसरी बात क्या हो जाएगी यहां पे, हाउ टू फाइंड विच इज फंक्शन आर नॉट. कौन फंक्शन है या नहीं है, इसके दो मेथड हो सकते हैं. एक तो अगर मैं एक मेथड की बात करूं तो बाय मैपिंग भी हम लोग पहचान सकते हैं. क्लास 11th के सेट में या यहीं पे आपको देखने को मिला होगा कि बाय मैपिंग भी अपन लोग कह सकते हैं. रिलेशन जब पढ़े होंगे क्लास 11th में, उसी में फंक्शन के समय पर चला होगा. जैसे देखो एक ये बाय मैपिंग का क्या मतलब हुआ, बाय मैपिंग का हम यूज करेंगे. जैसे देखो एक ये है, एक ये है, एक ये मैपिंग, ऐसे ये ए बी सी डी 1 2 3 4. देखो ये एक का, अगर देखो इधर का सिर्फ एक कोई, मतलब एक बार तीर निकले और इधर जाके कहीं भी लग जाए, तो ये हम कहेंगे कि आपका फंक्शन बन रहा है. क्या कैसे, क्या आपका क्या आइडिया क्या होता है, कि इधर का कोई भी एलिमेंट को, दो ही आपका फंडा होता है फंक्शन मैपिंग मेथड से जानने का, दो ही फंडा होता है. पहला फंडा कि इधर के सारे में सारे के सारे एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए. इधर के एलिमेंट इमेज कहलाते हैं, जो ये एलिमेंट है ना ये इमेज कहलाते हैं. जैसे जो इधर के एलिमेंट आ गए असर, जो बच गए वो क्या कहलाते हैं, वो इमेज नहीं बनाए हैं, वो इनका इमेज नहीं बना. जैसे डी का इमेज 3 है, सी का इमेज 2 है, बी का इमेज 2 है, ए का इमेज 1 है. तो आपका इधर के सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, मतलब इधर का कोई एलिमेंट खाली नहीं जाना चाहिए पहला, और एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं बनना चाहिए. दूसरा क्या है, एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं बनना चाहिए. बेसिकली इधर एकदम प्रैक्टिकल बात कहें तो इधर बायोलॉजिकल फादर की बात करें तो इधर बच्चे हैं इनके, इधर बायोलॉजिकल फादर हैं. तो इधर एक बच्चे का बायोलॉजिकल फादर एक ही हो सकता है, एक बच्चे का बायोलॉजिकल फादर दो, ठीक है. और उसके बाद ऐसे ही कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका बायोलॉजिकल फादर ना हो. तो ये आपका इधर बायोलॉजिकल फादर समझो है, इधर बायोलॉजिकल फादर है, और इधर इनके कोई भी चाइल्ड है या कोई भी किसी तरह का कोई एक बच्चा है, चाहे वो बॉय है चाहे गर्ल है, नहीं फर्क नहीं पड़ता है. तो एक बच्चे का एक ही पिता होंगे, और आपके किसी एक बच्चे के दो नहीं हो सकते. फिर किसी भी बच्चे का ऐसा नहीं हो सकता है कि फादर ही एग्जिस्ट ना करता हो. तो ऐसा है, ये वाली चीज आप बस ध्यान रखनी है. सपोज कि अगर मैं दूसरा लेके चलूं, एक ये और एक ये, एक ये मैपिंग, ये वाला अपने पास एफ है, ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, ठीक है ना. ये जैसे मान लो ए बी सी डी 1 2 3, अब जरा देखो ए बी सी डी स्टिल फंक्शन है. ये मैंने लिया, मैंने ये लिया, ए बी सी डी 1 2, ए बी सी ये फंक्शन नहीं है क्योंकि एक का छूट गया. फिर ऐसे मैंने ले लिया ये 1 2 ए बी सी,
आपका 1, 2, 3, 4 देखो, ए का यहाँ पे गया, बी का 1 पे गया, बी का 4 पे गया, सी का 3 पे गया। क्या ये आपका फंक्शन है कि नहीं? तो ये क्लियरली दिख रहा है फंक्शन नहीं है, यानी क्योंकि एक एलिमेंट के दो इमेज हो गए, तो एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं बन सकते, तो ये क्लियरली फंक्शन नहीं है। ये किस मेथड से अपन लोग पता कर रहे हैं? बाय मैपिंग। पर आप जिस क्लास के लिए पढ़ रहे हो ना, उसमें ये थोड़ी ना पूछेगा, ये तो बच्चों वाली कहानी थोड़ी पूछेगा कि एक बच्चे के कितने बाप, ये थोड़ी पूछने जाएगा। आपसे क्या पूछेगा, वो फंक्शन दे देगा और उससे आपको टेस्ट करना होगा, मतलब आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट। यही आपके सबसे काम की बात है। अगर आप ये वाली बात समझते हो तो उससे ये वाली बात बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्या वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है? कहता है ये कि इफ अ वर्टिकल लाइन कट द ग्राफ ऑफ फंक्शन, जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन के ग्राफ को कट द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट ओनली वन पॉइंट, कोई भी एक वर्टिकल लाइन हो, ग्राफ ऑफ फंक्शन को केवल एक जगह ओनली वन पॉइंट पे कट करती है, ओनली वन पॉइंट, ये वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओनली वन पॉइंट, देन इट इज फंक्शन, तब ये आपका फंक्शन है। अदर इफ कट मोर देन वन पॉइंट, देन इट इज नॉट फंक्शन। बहुत क्लियर से बात है कि ये फंक्शन तब नहीं होगा। जैसे देखो, फंक्शन हमने बनाया, ऐसे बनाया, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई भी वर्टिकल लाइन खींचो, क्या ये कितने बार कट करेगी इसको, तो ये फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है। अगर मान लो कि मैंने ग्राफ ऐसे बनाया, ठीक है, आप ग्राफ ये बना, आपका कोई एफएक्स है और इसका ग्राफ ऐसा बना, और आपसे कोई कह रहा है कि ये फंक्शन है कि नहीं पता करने के लिए, देखा था हमने एक वर्टिकल लाइन एक बार काटा, एक ही बार काटा, अरे एक से ज्यादा बार काटने लगा, फिर एक बार काटा, तो अगर एक भी बार एक से ज्यादा बार काट दिया, जैसे देखो इतने से इतने के बीच में एक से ज्यादा बार कट रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये आपके क्लियरली सी बात है, फंक्शन नहीं होगा। मतलब कैसे पता करना है? वर्टिकल लाइन टेस्ट, यानी आपको वर्टिकल लाइन खींचनी है। अगर वर्टिकल लाइन सिर्फ एक जगह कट करेगी तो हम कहेंगे फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। सपोज, जैसे एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे सपोज, ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो आप वर्टिकल लाइन खींचना चालू करोगे, ये वर्टिकल लाइन, अरे कट किया क्या एक से ज्यादा बार, बिल्कुल कट किया एक से ज्यादा बार, तो ये सिर्फ इसी लाइन की वजह से कहेंगे नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। किसमें? पूरे आर में। इसका डोमेन क्या है? पूरा आर है, डोमेन पूरा आर है। सर एक और मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। सपोज कि मैंने फंक्शन लिया कोई आपका, देखो ऐसे, पहले मैं फंक्शन लिया ऐसे, देखो ऐसे, इसका क्लियर सा मतलब यह होता है कि इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू यहां पे नहीं है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे नहीं है, यहां पे है, यहां पे नहीं है। बोलो ये फंक्शन है कि नहीं, तो वर्टिकल लाइन खींचो। देखो ये वाली आपको डाउट हो सकता है कि सर यहां पे एक से ज्यादा बार कट कर रहा है, नहीं, वैल्यू एक ही बार है, यहां पे वैल्यू नहीं है, तो एक ही बार कट कर रही है, कहीं भी एक ही बार कट कर रही है, तो यस इट इज फंक्शन है। जरा अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, देखो ऐसे मैंने लिया, मैंने फिर ऐसे लिया, फिर मैंने ऐसे लिया, अब बोलो ये फंक्शन है कि नहीं, जरा देख के बताओ। तो क्या वर्टिकल लाइन कट करी? नहीं कट करी। सर कितने बार कट करी? यहाँ पे देखो कितने बार कट करी, कोई बार कितने बार कट करी? एक बार, एक से ज्यादा बार, तो अरे इनफाइनाइट टाइम कट कर रही है, यहां से लेके यहां तक इनफाइनाइट टाइम कट कर रही है। देखो ना, एक एक लाइन पे जब ओवरलैप करेगी वर्टिकल लाइन तो बहुत बार कट करेगी, तो यह फंक्शन आपका नहीं होगा, नॉट फंक्शन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, हमने डोमेन इधर लिखा हुआ है, ये देखो डोमेन लिखा हुआ है,
डोमेन का मतलब एक और होता है, एक और चीज हम इसको और यहीं पे अब आगे भी अगर हम लिखाएंगे, पर एक और बात यहीं पे लिख लेते हैं डोमेन पे, ये रेंज की वैल्यू रहेगी रहेगी। डोमेन का एक और मतलब होता है, एक तो ये हो गया, दूसरा एक और समझना होता है एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। ये कुछ कुछ बातें हैं, अगर आपके दिमाग में ये सब बातें एकदम बैठ गई ना, तो आपको कभी डोमेन में और रेंज में दिक्कत हो ही नहीं सकती है। और ये याद रखो, अगर मेरे साथ साथ आप करते रहे तो डोमेन में और रेंज में कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ओवरऑल इनफैक्ट पूरे फंक्शन के दौरान आपको दिक्कत नहीं आएगी, मजा आएगा फंक्शन में, बहुत ही मजा आएगा। देखो एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ, कोई भी ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक एक्सपेंड है, वही आपका डोमेन कहलाता है। एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस डोमेन होता है। और रेंज की एक बात हम पहले ही लिख चुके हैं, और एक और बात लिख लें कि हाइट ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। एक तो हमने क्या लिख लिया है कि एक तो लिख लिया है कि भाई जो आपका y की जो वैल्यू होती है एप्रोप्रिएट x के लिए जो y की वैल्यू होती है वो हो गया आपका रेंज। दूसरा अगर ग्राफ आपके पास दिया हो, ग्राफ पता हो, तो ग्राफ कहां से कहां तक y एक्सिस पे उसकी ऊंचाई है वो उसका रेंज कहलाएगा। सपोज कि आपके सामने इस तरह की चीज आपके सामने आ गया कि एक मैं ग्राफ बना रहा हूं, सिंपली आप एक आपके सामने एक ग्राफ देख रहा हूं, ये y एक्सिस है, एक x एक्सिस है, ये आपका ग्राफ है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू है -2, ये वाली वैल्यू है 5, ये वाली वैल्यू है 3, ये वाली वैल्यू है -1, ये वाली वैल्यू है 2, ये वाली वैल्यू है 1, ये वाली वैल्यू है 3, ये वाली वैल्यू है 3। अब आपसे कोई कहेगा कि डोमेन बताओ, तो जैसे ही आपका इस फंक्शन का कोई डोमेन बोला तो आपकी नजर एक्स एक्सिस पे दौड़ेगी कि एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक ग्राफ दौड़ा हुआ है, कहां लगा हुआ है। तो एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस पे ये -2 से स्टार्ट करके कहां तक जा रहा है, 5 तक। तो ये दोनों पे वैल्यू अवेलेबल है, तो -2 से लेके 5 तक डोमेन हो गया। अगर कोई पूछा रेंज क्या होगा, तो आपकी नजर दौड़ेगी कहां, वाई एक्सिस पे, कि वैल्यू कहां से कहां तक, उसकी ऊंचाई कहां। तो मिनिमम सबसे -1 लिया है, हाफ सबसे मैक्सिमम 3 लिया है, तो इसकी वैल्यू हो गई -1 से लेकर 3 तक। अगर ग्राफ ये ना होकर ये ग्राफ होता, ये वाली हाइट हो गई आपकी 3, ये वाली हाइट हो गई आपकी, ये वाली हाइट हो गई -1, ये वाली हाइट हो गई आपकी, सॉरी -1, ये वाली हो गई 1/2, ये वाली -2, ये वाली आपकी 4। तो बोलाओ इसका डोमेन बताओ, डोमेन कितना हो जाएगा, फटाफट डोमेन बताओ मुझे। डोमेन देखते ही आपकी नजर कहां दौड़ेगी, एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक फैला है ग्राफ, यहां से लेके यहां तक है, यानी -2 से लेके 4 तक है। अच्छा एक और मैं इसमें काम कर देता हूं, यहां पे मैं कह रहा हूं कि ये नहीं है, ठीक है, तो 4 वाली वैल्यू यहां पे नहीं है, तो 4 पे मैं हटा दिया यहां पे। अब जरा बताओ इसका रेंज क्या है भाई, रेंज क्या है भाई। देखो रेंज सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी 1/2 है, 1/2, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 है, 3 तक। देखो मैक्सिमम 3 वाली वैल्यू इंक्लूड है। अच्छा आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये वाली वैल्यू जो 1 है, ये वाली वैल्यू तो यहाँ इंक्लूड ही नहीं थी, तो यहाँ पे नहीं थी लेकिन यहाँ पे इंक्लूड थी। तो अगर कहीं एक भी जगह अगर वैल्यू रेंज में आ गया, एक भी बार आ गया, तो वो रेंज में इंक्लूड होगा, अगर ये और इसमें से कोई एक भी बार इंक्लूड हो गया तो। अगर नहीं तो डाउट है तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको इंक्लूड कर लो, तो ये भी आपका इंक्लूड हो जाएगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं रहेगा, बाकी अगर समझेंगे। तो ये आपका डोमेन और ये रेंज, ये तब जब ग्राफ अपने को पता हो। अगर ग्राफ के अलावा, लेकिन ग्राफ से तो हर फंक्शन का ग्राफ बना पाना भी संभव नहीं है, और हर फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाना भी संभव नहीं है, फिर क्या करेंगे, फिर कुछ हमको थियोरेटिकली जानकारी होनी चाहिए, कुछ ऐसी हमें बातें पता होनी चाहिए जिससे कि हम डोमेन और रेंज निकाल सके। तो अब हम कुछ थियोरेटिकली बात करेंगे, कुछ इसके रूल पे बात करेंगे, क्या कैसे हम इसके डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो कुछ हम रूल पढ़ेंगे, रूल ऑफ डोमेन, क्या डोमेन के क्या क्या कुछ नियम होते हैं, हम इनको बेसिक एज इट इज फॉलो करेंगे, और फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, हमें कभी दिक्कत नहीं होगी। बस एक एक पॉइंट आपस याद रखना। जैसे पहला आपके सामने मान लो कि क्या रूल ऑफ डोमेन का मतलब क्या हुआ, कि जैसे आप, जैसे कहीं आप किसी भी डॉक्टर, या मतलब मैं ऐसे कहूं, जैसे देखो आपके पास पहला अगर लिखा है कुछ y = √fx,
क्या लिखा है y इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स। यहां आपको दूसरे टाइप का फंक्शन मान लो कहीं आपको देखने को मिल गया, सेकेंड नंबर का वन अपॉन एफ एक्स, या कुछ तीसरे नंबर का फंक्शन देखने को मिल गया कुछ ऐसे वन अपॉन अंडर रूट एफ एक्स। मतलब कहने का ये मतलब है कि या तो आपको अंडर रूट के अंदर एफ एक्स मिला या वन अपॉन एफ एक्स मिला, ये सब वाई इज इक्वल टू है, वाई इज इक्वल टू है। ऐसे मिला तो हम इनका डोमेन निकालने के लिए, जैसे ये मिला तो हम क्या करेंगे, पुट यहाँ पे बस उठा के अंदर वाले को, पूरा अंदर वाले को ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो उठा के रख देंगे और यहां से गेट वैल्यू ऑफ एक्स, गेट वैल्यू ऑफ एक्स, यही आपका डोमेन हो जाएगा। जो आपका x इक्वल जो x की वैल्यू मिल जाएगी यही आपका डोमेन हो जाएगा। यहां पे क्या करेंगे, पुट उठा कर रख देंगे एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, आपका वो x चाहिए कि यहां पे x इक्वल टू नॉट जीरो हो और यहां से गेट वैल्यू ऑफ x निकाल ले। बस यहां पे थोड़ा सा सुन ले ध्यान से, गेट वैल्यू ऑफ x एंड डोमेन क्या हो जाएगा, तब इस केस में आपका डोमेन हो जाएगा क्या कि पूरा r माइनस ये ऊपर वाली जो x की वैल्यू रहेगी, ये वाली जो x की वैल्यू रहेगी, यानी r में से सारी x की वैल्यू हम निकाल देंगे। जैसे मान लो किसी ने कहा 1 अपॉन 3x माइनस 5 का डोमेन क्या होगा, अगर आपने कोई इससे x का डोमेन पूछा गया तो आप क्या करोगे भाई बच्चे, क्या करोगे, सीधे सीधे उठा के आप 3x माइनस 5 को रख दिए नॉट इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू नॉट इक्वल टू, x नॉट इक्वल टू 5 बाई 3। तो अगर x 5 बटे 3 नहीं है तो x है क्या, अगर 5 बटे 3 नहीं है तो क्या है x, फिर x की वैल्यू होनी चाहिए x बिलोंग टू r माइनस सब कुछ 5 बाई 3। बोलो बात समझ में आई, आई बात समझ। जैसे इसका एग्जांपल अगर आपके सामने कोई कहा y इक्वल टू 3x माइनस 5 है, आप क्या करोगे भाई, इसको उठा कर रख दोगे 3x माइनस 5 को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 बाई 3, यानी x बिलोंगिंग टू 5 बाई 3 से इनफाइनाइट। अच्छा यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका ये जब आएगा तो क्या करना है, उठा कर रख देना है पुट एफ एक्स, देखो नीचे है तो जीरो नहीं हो सकता और अंडर रूट में है तो हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड यहां से गेट वैल्यू ऑफ एक्स, गेट वैल्यू ऑफ एक्स यही आपका डोमेन हो जाएगा इज इक्वल टू डोमेन। सपोज कि मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं, जैसे आपके सामने एग्जांपल वन अपॉन अंडर रूट में एक्स माइनस 5 है, तो आपको इसका डोमेन बताना है कि डोमेन क्या होगा, तो क्या करेंगे अपन लोग, हम इसका क्या करेंगे, यहां से अंदर वाले को x माइनस 5 को ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो लिख देंगे, यानी x ग्रेटर देन 5, यानी ये आपको ये बताता है कि x बिलोंग टू 5 टू इनफाइनाइट, 5 पे ओपन रहेगा ये वाला, यही आपका डोमेन हो जाएगा, यही आपका डोमेन, यही हम बोलते हैं वैलिड x, यही आपका वैलिड x है 5 से लेके इनफाइनाइट तक। अच्छा तो मैक्सिमम टाइम पे आपको x के टर्म में मिलेगा, कभी t के टर्म में मिलेगा, किसी अन्य अदर के टर्म में मिलेगा, तो आप जब तक इतने हैबिचुअल हो जाओगे, इतने चीजों को आप समझने लगोगे, अपने का दिमाग इतना एक्सप्लोर कर गया होगा कि ये सब चीजें आपको फिर लगने लगेगी कैसे आपका t में भी कैसे बनने लगेगा। तो ये तीन अगर आपका इस टाइप के तीन टाइप के आए तो अपन लोग सीधे उठा के ही रखेंगे और डोमेन निकालते रहेंगे। देखो ये बेसिक तीन हमने बताया। चौथे नंबर पे आते हैं, अगर आपके सामने अगर सपोज कैसे आ गया 4 अंडर रूट एफ एक्स 6 अंडर रूट एफ एक्स 8 अंडर रूट एफ एक्स, अगर ये सब आ गया तो क्या करेंगे, तो डोमेन के लिए टू ऑब्टेन डोमेन, अभी रेंज पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, डोमेन पे बात कर रहा हूं, टू ऑब्टेन डोमेन पुट अंदर वाला, फिर से इनसाइड फंक्शन को ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, गेट वैल्यू ऑफ एक्स एंड गेट वैल्यू ऑफ एक्स, गेट वैल्यू ऑफ एक्स, बस यही आपका बिल्कुल फंडा है। पांचवे नंबर पे बात अगर मैं लिख दूं, जैसे डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे जितने हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, हमने बता भी दिए पिछले दिनों में कि डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मैं पिछले लेक्चर में बताया भी हूं मैं कि डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा आर होता है, रियल नंबर होता है। अगर पॉलिनोमियल दिख गया तो उसका डोमेन आर होगा, रियल नंबर होगा। छठे नंबर पे आते हैं, काम की बात है, बहुत ही काम की बात है। सपोज कि आपके सामने आ गया एफ एक्स प्लस हो या माइनस हो इंटू जी एक्स,
यानी दो फंक्शन आपके सामने जुड़ गए आके, या दो फंक्शन घट गए, या दो फंक्शन आपको आके मल्टीप्लाई हो गए, या दो फंक्शन आपके आपके सामने आके डिवाइड हो गए। देखो मैं चारों को एक ही साथ ले लिया कि दो फंक्शन आपके सामने मल्टीप्लाई जुड़ गए या घट गए या मल्टीप्लाई हो गए या डिवाइड हो गए, अगर ये चारों ही हो गए तो इस केस में आप इनका डोमेन निकालें, एफ एक्स का डोमेन निकालें, जी एक्स का डोमेन निकालें। इसका मतलब होता है कि डोमेन आप जी एक्स, एफ एक्स का डोमेन निकालें, जी एक्स का डोमेन निकालें, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दें। फिर से सुन लें क्या मैं बोल रहा हूं, इस एफ एक्स का डोमेन निकालें, जी एक्स का डोमेन निकालें, अलग अलग निकाल लो और इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दो। मतलब यहां से डोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अगर दोनों मल्टीप्लाइड है, डिवाइड है या इस तरह की चीजें है तो आपका हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। मतलब एफ और जी दोनों का अलग अलग डोमेन निकालेंगे फिर हम डिवाइड कर देंगे। सपोज जैसे एग्जांपल में मैं बात करता हूं, जैसे देखो एग्जांपल में मैं बात कर रहा हूं, एग्जांपल जैसे कि आपके सामने ये आपके सामने जैसे लिख दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में सिक्स माइनस एक्स प्लस आपका अंडर रूट में नाइन माइनस एक्स, तो आपको डोमेन बताना है। अगर डोमेन बताना है तो देखो एक ये फंक्शन और ये फंक्शन, दो फंक्शन अलग अलग ऐड हुए हैं तो इसका डोमेन अलग निकालेंगे, इसका डोमेन अलग निकालेंगे, दोनों का क्या कर देंगे इंटरसेक्शन। तो अगर हम कहें इसका डोमेन, तो इसका डोमेन के लिए सिक्स माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अरे बात समझ में ना, तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स आपका एक्स उधर चला जाएगा, अच्छा एक्स उधर चला जाएगा, इसको मैं सिक्स माइनस एक्स के बजाय एक्स माइनस सिक्स कर ले रहा हूं, एक्स माइनस सिक्स कर ले रहा हूं, ठीक है ना। तो एक्स माइनस सिक्स यानी एक्स आपका इधर हो जाएगा आपका एक्स माइनस सिक्स, एक्स लेस देन आर इक्वल टू सिक्स आया, इंटरसेक्शन इधर ध्यान रखो नाइन माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो अगर वो एक्स उधर चला गया, ये क्या मैं कर रहा हूं, एक एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू सिक्स और ये एक्स उधर चला गया तो नाइन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स हो गया, यानी इन दोनों से ये देखो यहां पे क्या मिला कि एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू सिक्स इंटरसेक्शन एक्स लेस देन आर इक्वल टू नाइन। क्लियरली देख लो एक्स ग्रेटर, यहाँ पे देखो एक्स माइनस सिक्स मैंने कर दिया, एक्स माइनस सिक्स उस भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू सिक्स, ठीक है। 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो क्योंकि ये भी अंडर रूट ही है, तो 9 ग्रेटर देन आर इक्वल टू सिक्स उल्टा, मतलब इसी को आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि x शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 9। नाउ जस्ट एक वन सेट 6 टू इनफाइनाइट एन अदर सेट लेस देन आर इक्वल टू यानी इंटरसेक्शन माइनस इनफाइनाइट से 9 क्लोज इंटरवल, नंबर लाइन लिए फिर उसमें कहीं 6 लिए, 6 से लेके इनफाइनाइट तक ये पहुंच गया, 6 पे आपका क्लोज, फिर आपका कहीं 9 है, 9 से लेके 9 पे क्लोज इनफाइनाइट तक ये पहुंच गया, डबल लाइन कहां से कहां तक है 6 to 9, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है कि जब दो फंक्शन ऐड है तो अगर ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुए रहते तो अगर यही दोनों सब्ट्रैक्ट हुए रहते तो यही हो जाता, अगर दोनों मल्टीप्लाई हुए रहते तो फिर से भी हम यही काम करते। जैसे एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे सपोज कि आपके सामने ये एग्जाम्पल मैं रख दूं कि y इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस माइनस थ्री इंटू अंडर रूट में एक्स टू एक्स माइनस फाइव, तो आपको बताना है कि इसका डोमेन बताना है, फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। तो क्या हो जाएगा भाई, दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाइड होने के नाते हम क्या करेंगे इसका डोमेन निकालेंगे और हम इसका भी डोमेन निकालेंगे, दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल के दोनों का क्या कर लेंगे अपन लोग इंटरसेक्शन, दोनों क्या कर लेंगे इंटरसेक्शन, और कुछ काम नहीं करना है। जैसे इसका डोमेन निकालना है, देखो मैं लिख रहा हूं अलग अलग लिख रहा हूं डोमेन आ, पहले हम निकालेंगे ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इसके लिए क्या कर देंगे भाई ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री को ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो फैक्टराइज किया, इनइक्वालिटी आ गई, इनइक्वालिटी ही पढ़े थे इसीलिए पिछले लेक्चर्स में इनइक्वालिटी पढ़े थे कि ये सब चीजें हम सॉल्व कर लें। हमने बताया था कि डोमेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये,
तो ये आपका x माइनस थ्री एक फैक्टर हुआ और x प्लस वन एक फैक्टर हुआ, शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन लिया, यहाँ कहीं माइनस वन दिया, यहाँ कहीं थ्री दिया, प्लस माइनस प्लस दिया, ग्रेटर देन चाहिए ये और ये वाला पोर्शन चाहिए। तो यहाँ से आया आपका x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, यूनियन तीन से इनफाइनाइट, दोनों पे माइनस वन और तीन पे क्लोज इंटरवल लग गया। अब इधर वाले का डोमेन निकालते हैं भाई, जिसकी जो समस्या है उसकी समस्या सॉल्व होनी चाहिए। आप अगर प्रॉब्लम लेके कहीं जाते हो अपने दोस्तों के पास नहीं, रियली अपने दोस्तों के पास नहीं, अपने पेरेंट्स के पास या अपने किसी टीचर के पास अगर अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हो, तो वो आपका टीचर पहले आपसे आपकी समस्या पूछता है कि बेटा आपकी समस्या क्या है। तो आप बताते हो कि सर जी ये कि ये अंडर रूट का समस्या है कि ये अंडर रूट की समस्या है, तो पहले वो क्या करेगा, वो आपकी दोनों अंडर रूट की समस्याओं को अलग अलग सॉल्व करेगा और सॉल्व करके आपके सामने उसका डोमेन के लिए बस लास्ट में इंटरसेक्शन करने के लिए बोलेगा कि आप इसको जाके इंटरसेक्शन कर लो। बात समझ में आ गई? तो ये आपने, ये आपका, आप यहाँ पे पहुंचे तो ये इस वाले अंडर रूट का पहले समस्या पूछा, ये पूछा तो आपने बताया कि 2x-5 greater than r equal to 0, x greater than r equal to 5/2, यानी x belonging to 5/2 to infinite। अब क्या किया भाई, इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, इसके बाद टेक इंटरसेक्शन। शानदार सी बात है भाई, टेक इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेने के लिए वही एक लंबी सी नंबर लाइन खींचा, ये कहीं माइनस वन इनफाइनाइट, यहाँ कहीं माइनस वन, एक कह रहा माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन तक है, एक कहीं है तीन, तीन से इनफाइनाइट तक है, ये आपका आ गया इधर वाले का, उधर 5/2 का मतलब 2.5 यहाँ कहीं होगा इनके बीच में 5/2, और कह रहा है इनसे बड़ा 5/2 को इंक्लूड किया है। इंटरसेक्शन बताओ क्या दिख रहा है अपने को, क्या तीन से लेके इनफाइनाइट तक इंटरसेक्शन दिख रहा है क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, आंसर आपका 3 to infinite। बात समझ में आ रही है? कब जब फंक्शन आपके मल्टीप्लाइड है या फंक्शन आपके डिवाइडेड है। डिवाइडेड तो क्या होता है भाई, डिवाइडेड तो क्या होता है, देखो एक सवाल और डिविजन पे कर लेते हैं कि अगर मल्टीप्लाइड के अलावा अगर डिवाइडेड होते तो क्या बनता, 6 पॉइंट हो गए थे। बाकी अगर डिवाइडेड से मान लो, एग्जांपल मैं फिर से लेता हूं कि आपका जैसे मान लो लिखा है y इक्वल टू अंडर रूट में x माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में आपका 3-x। तो जब यह आपके पास सवाल है तो आपके पास ये ऊपर में मान लेते हैं कि एफ एक्स है और ये नीचे में मान लेते हैं कि जी एक्स है, तो हम अलग अलग इसका डोमेन निकालेंगे, डोमेन ऑफ एफ और इसका निकालेंगे डोमेन ऑफ जी, और दोनों का क्या कर देंगे हम लोग इंटरसेक्शन। तो देखो हम अगर डोमेन ऑफ एफ की बात करें तो ऊपर वाले को एक्स माइनस टू को ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो उठा के रख दें क्योंकि न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में इक्वल टू जीरो हो सकता है, तो ये हो गया आपका क्या यहाँ पे x greater than r equal to 2, और ये आपका डिनोमिनेटर में है तो ये क्या हो सकता है आपका, इसका डिनोमिनेटर में होने से हम कहेंगे 3-x should be only greater than 0। अच्छा इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 से बड़ा मतलब 2 to infinity, और ये क्या हो जाएगा x उधर चला गया 3 greater than x, यानी ये लिखा है x less than 3, यानी माइनस इनफाइनाइट से 3 पे ओपन। दोनों का इंटरसेक्शन हमको करना तो नहीं चाहिए बट आपके सहूलियत के लिए कर दे रहे हैं। 3 ये पीछे तक आया, देखो 2 पे क्लोज है, 3 पे ओपन है, इंटरसेक्शन 2 क्लोज से 3 ओपन। बात समझ में आ रही है, ये इसका डोमेन हो जाएगा। अभी तक हमने 6 पॉइंट पढ़े, 6 पॉइंट पे हमने सवाल भी कर लिए, अब आगे कुछ और पॉइंट पढ़ेंगे और उन पॉइंट्स पे और क्वेश्चंस करेंगे इसके, जैसे मान लो इस 6 पॉइंट का 7वें पॉइंट पे आते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं।